नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? देसी फूड किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं होली स्पेशल गुजिया, जो हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेंगे। बाउल में हम मैदा डाल लेते हैं, मैदा से ही तो गुजिया बनता है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा ले लेते हैं, जितना आपको बनाना है। अगर 1 किलो बनाना है तो आप 1 किलो लीजिए, आधा किलो बनाना है तो आधा किलो लीजिए। तो यहाँ पे हम आधा किलो मैदे का बनाएंगे गुजिया। थोड़ा सा हम रख लेंगे सूखा आटा, और इसमें हम डालेंगे घी, जो इसे कहते हैं मैन देना, तो हम घी का मैन देंगे। और इसे हाथों के अंदर से इसे मिक्स कर लेंगे, इस तरह होना चाहिए। तो आप इस तरह इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। थोड़ा और डालेंगे हम, तो ये देखिए, अब इसे हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी ऐड करेंगे। आटा को हम सख्त गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, आटा मेरा गुथा गया है। और एक हम कपड़ा लेंगे गीला, थोड़ा सा गीला करके इसे हम ढक देंगे, कहीं से ये सूखे ना। गुजिया का मसाला बना लेते हैं। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, गैस हमने रख दिया, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो घी मेरा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम काजू को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, काजू को मैंने हल्का हल्का ये फ्राई कर दिया है। और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, काजू मेरा फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे बादाम, बादाम को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, बादाम भी मेरा फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम सूजी ऐड कर लेते हैं, इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। गैस की आंच को हम धीम कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का मुरादा। नारियल को मैंने रेत के घर पे ही कर लिया था इसे। और अच्छे से इसे हम भून लेंगे इसके साथ हल्का सा। एक बड़ी सी थाली में हम इसे निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी फिर से डालेंगे कढ़ाई में, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो ये देखिए, 50 ग्राम मैंने खोया लिया था, इसे भी हम गरम कर लेंगे। गैस की आंच को हम तेज कर लेते हैं। अब इसे हम बंद कर लेते हैं और इसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। अभी ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है मिक्सर जाल में डाल के। और हम चीनी और इलायची को साथ में पीसेंगे। तो चीनी मैंने ले लिया, इलायची को हम 5-6 इलायची छील के चीनी के साथ ही पीस लेंगे। तो ये जो थोड़ा सा मेरा खोया था, इसी में हम इसे डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट था और सूजी था, नारियल का मुरादा था, इसी में सब डाल के मिक्स कर लेंगे। और ये चीनी और इलायची जो मैंने पीसा था, इसे भी अब अच्छे से सब मिला लेते हैं हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी अभी से। गैस मेरा बंद है, अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। अब हम आटा ले लेंगे, अब इसे अच्छे से हम बेल लेते हैं। पहले हम चकई काट लेते हैं। इतना बड़ा हम लोई लेंगे, जैसे पूड़ी बनाते हैं उतने बड़े का हम लोई ले लेंगे। तो हम आपको एक बना के भी दिखाते हैं। तो हम पूड़ी के आकार में इसे हम बेल लेंगे सूखा आटा लगा के। तो इस तरह हम बेल लेंगे। सबसे पहले जो आटा मेरा बचेगा उसे हम सब गीले वाले कपड़े से ही ढकेंगे, नहीं तो आटा मेरा सूखता जाएगा। और एक चम्मच की मदद से हम
मसाले को इस तरह रखेंगे बीच में, थोड़ा ज़्यादा जितना आपको रखना है उतना रखिए। रखने के बाद इसके साइड से हम पानी लगा देंगे। अगर आपके पास गुजिया वाला साँचा नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं, तो इस तरह हम हाथ से बना के आपको दिखा रहे हैं। साइड से पानी लगाने के बाद इसे हम सील कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अच्छे से इसे हम बंद कर देंगे। अब हम लेंगे काटा वाला चम्मच, तो इस तरह हम इसे डिज़ाइन बना लेते हैं। बनाने के बाद इस साइड से हम चम्मच को पीछे करने के बाद इस तरह हम इसका फ्लावर डिज़ाइन बना देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बिना सांचे का गुजिया कितना अच्छा और कितनी अच्छी डिज़ाइन बन के आ गई है मेरा। इसी तरह हम सारा बना लेंगे। तो ये देख, कढ़ाई मैंने फिर से रख दिया है, गुजिया सारा मेरा बन गया है। अब इसे हम तल लेते हैं। तो हम इस पर डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल मेरा हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे गुजिया अपना, एक एक करके डालेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे पलटेंगे और गैस की आंच को हम धीम कर देंगे। तेल मेरा तेज हो गया है तो हम गैस की आंच को धीम कर सकते हैं। थोड़ा सा करंची रहेगा मेरा गुजिया। मैंने दो डिजाइन बनाए हैं और आपको जो भी पसंद है आप उस तरह बनाइएगा। ये वाला डिज़ाइन तो सबके घर में पहले से ही बनता था, तो मैंने हाथ से इसे गोठा हुआ है। तो पहले की मम्मियाँ ऐसे ही बनाती थी सारी गुजिया हाथों की मदद से। पहले सांचे नहीं रहते थे तो पहले ऐसे ही हाथ की मदद से गोठ लेते थे। तो ये देखिए गुजिया मेरा सही है, तो इसमें हम और सारे गुजिया डाल सकते हैं। एक एक करके सारे गुजिया हम डाल देंगे। पहले के ज़माने में बहुत सारे सामाने ऐसे नहीं होती थी, अब तो होने लगी हैं, एक एक से डिज़ाइन आने लगे हुए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं दोनों को, ये इससे भी हम निकाल लेते हैं। ये भी मेरा गुजिया हो गया है। इसी तरह सारे गुजिया हम डाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा गुजिया बनके तैयार है। कमेंट करके बताएगा कैसा है। आप सभी को मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको हैप्पी होली, एंजॉय करिए हैप्पी होली। तो एक बार ज़रूर बना के इस तरह ट्राई करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा है। मेरे चैनल को लाइक से या सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।